किस तरीके से प्रधानमंत्री भाषा में बात कर रहे हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने बोली और ये कहा कि ये एक्सरे जो है लोगों के मंगल सूत्र छीनने हैं, उनकी संपत्ति क्या है, दो मकान है तो एक मकान जो है वो मुसलमानों को देने की ईएम की जो भाषा है, क्या वो भाषा एक प्रधानमंत्री की भाषा है? मुझे लगता है कि एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा वो नहीं होती जो भाषा हमारे प्रधानमंत्री की है। जाति जीवन को पूरी तरीके से नियंत्रित कर रही है इस देश में, जुर्म तक जाति के आधार पर हो रहे हैं। मंडल आया तो कमंडल, राम मंदिर का पूरा मुद्दा आ गया, अभी फिर से जाति जनगणना का की जाई है, तो अब वापस पूरे विमर्श को जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ले जाया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है कि ओबीसी हिंदुत्व की और सांप्रदायिकता की जो लाश है उसको ढो रही है, और ये जो पूरा विचारधारा है वो उसी के अधिकार के का डाका डालने में तुला हुआ है। अधिकार संपन्न जो संविधान ने बनाया है बहुत बड़ी आबादी को, उनके अधिकारों को छीना जाए और वापस केवल उनको कर्तव्य तक निश्चित कर दिया जाए। आजकल ये बहस तेजी से बढ़ रही है, जब भी आप बात करो राइट बेस्ड चीजों की वो कहते हैं नहीं नहीं बहुत हो गया है, बहुत अधिकार हो गए हैं, टू मच डेमोक्रेसी हो गई है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप तो कर्तव्य की बात कीजिए। तो ये कर्तव्य का विमर्श आता किधर से है? ये कर्तव्य का पूरा विमर्श वर्ण व्यवस्था से आता है, ये पूरा मनुस्मृति और उन सब चीजों से आता है। तो अगर कोई जाति जनगणना के खिलाफ है तो ये पक्का मानिए कि वो वर्ण व्यवस्था का समर्थक है, मनुवादी है, वो संविधान विरोधी है और लोकतंत्र विरोधी है, वो देश का भी विरोधी है और इस पूरे समुदाय का भी विरोधी है। तो ये सब जो लोग हैं इनको हमें जवाब भी देना है, लेकिन ये जाति जनगणना से लाभान्वित जो वर्ग है उस तक क्या बात हम पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना तो सदैव से होती आई है, 1871 से जब से जनगणना चल रही है और 1931 तक जनगणना चली और 41 में भी जाति जनगणना हुई, आंकड़े नहीं आए बाहर, उसके बाद जब देश आजाद हुआ संविधान लागू हुआ तब से एससी और एसटी को तो गिना जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो जाति जनगणना होगी उसका फायदा जो होगा वो ओबीसी को होगा, लेकिन क्या ओबीसी को समझा पा रहे हैं हम, क्या ओबीसी इसको समझ रही है? 22 जनवरी को हमने देखा क्या झंडे उठा करके ओबीसी सर्वाधिक चल रही है, और मैं जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि ओबीसी हिंदुत्व की और सांप्रदायिकता की जो लाश है उसको ढो रही है, और ये जो पूरा विचारधारा है वो उसी के अधिकार के का डाका डालने में तुला हुआ है। तो ये बात अगर हम समझा पाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी टास्क है। राहुल जी ने तो अपना लाइफ मिशन बना लिया, यहाँ तमाम बैठे हुए बहुत लोगों का लाइफ मिशन है जो जीवन भर इसी सारी चीज को काम कर रहे हैं, लेकिन इस सामाजिक जो एक ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय जो हजारों साल से रहा है उसको अगर सामाजिक न्याय में तब्दील करना है तो गिनती तो होनी पड़ेगी। बीमारी है तो उसका डायग्नोसिस तो होना पड़ेगा, थर्मामीटर तो लगाना पड़ेगा, कोई तो मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और वो मैकेनिज्म अगर बन रहा है तो उसके खिलाफ किस तरीके से प्रधानमंत्री भाषा में बात कर रहे हैं? पीएम की जो भाषा है क्या वो भाषा एक प्रधानमंत्री की भाषा है? मुझे लगता है कि एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा वो नहीं होती जो भाषा हमारे प्रधानमंत्री की है। हमारे बांसवाड़ा में आकर के उन्होंने जो कुछ बोला, जिस तरह की बातें उन्होंने बोली और पूरे इस डिस्कोर्स को दूसरी दिशा में ले गए और ये कहा कि ये एक्सरे जो है लोगों के मंगल सूत्र छीनने हैं, उनकी संपत्ति क्या है, दो मकान है तो एक मकान जो है वो मुसलमानों को देने की पूरी चीज की जा रही है। तो ये पूरा डिस्कोर्स जब जब भी भारत में और आधुनिक भारत में जब जब भी पिछड़े समुदाय को कुछ मिलने की बारी आती है ये विचारधारा कुछ न कुछ कमंडल लेकर के निकल जाती है। मंडल आया तो कमंडल, राम मंदिर का पूरा मुद्दा आ गया, अभी फिर से जाति जनगणना का की जाई है, तो अब वापस पूरे विमर्श को जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ले जाया जा रहा है इसको समझने की जरूरत है। मित्रों हम तो लड़ रहे हैं, मैं जिस संगठन के साथ काम करता हूँ PUCL पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने FIR लॉन्च करने के लिए बाकायदा दिया है राजस्थान में और कहा है कि चाहे वो PM है चाहे कोई भी है, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि इतना नफरत का भाषण दे और हमारे बीच में इस तरह की बातें करें। तो ये जो चीज़ें चल रही है इसका हमें मुकाबला तो करना ही है,
लेकिन जाति जनगणना के इश्यू को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, ऑफेंसिव तरीके से ले जाना पड़ेगा। इसमें डिफेंसिव रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी जो हिपोक्रेसी है, 2011 में भी जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने किया, तो इसी देश में इन्हीं लोगों ने एक हम हिंदुस्तानी करके एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, कहा कि जब जाति गिनी जाएगी तो हम लिखेंगे कि हम अपने नाम के आगे हिंदुस्तानी लिखेंगे। लेकिन लिखने से क्या होता है, सब कोई जानता है कि हर एक की एक जाति है, जाति के आधार पर लाभ है उसको लोग उठा रहे हैं, जाति के आधार पर मोहल्लों में रहते हैं, गांवों के नाम जाति के आधार पर हैं, जाति जीवन को पूरी तरीके से नियंत्रित कर रही है, इस देश में जुर्म तक जाति के आधार पर हो रहे हैं, तो फिर जाति की गणना हो जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ जाएगा, क्या आपदा आ जाएगी। तो ताकत के साथ हमें कहना पड़ेगा कि जाति जनगणना बहुत जरूरी चीज है और हमको वो चाहिए। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।